भारत में स्थित विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और आप इसे कैसे याद रख पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में दर्रे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनको याद रहता है वो क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, जिनको याद नहीं रहता है वो नहीं दे पाते हैं, तो एक से दो अंक तो उनका वैसे ही माइनस हो जाता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत में स्थित विभिन्न राज्यों के प्रमुख दर्रे। यहाँ पे मैंने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दे दिए हैं, इसके बाद उनकी राजधानी क्या है वो दे दिए हैं, उसके बाद दर्रा कौन कौन सी है वो यहाँ पे दे दिए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दर्रा का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये आप सभी को पता होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा है? सिप किला, रोहतांग, बारा लाचाला, चांसल, देवसा, इंद्रहार, कुंजुम, लमखागा। तो ये दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सिप किला, रोहतांग, बारा लाचा, ये हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको तो जरूर याद रखें, सिप किला, रोहतांग, बारा लाचा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये सभी दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद उत्तराखंड के बारे में बात कर ले, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। इसमें माना, नीति, लिपु लेक और एक है डुंगरीला। तो ये चारों दर्रा जो है वो उत्तराखंड में होते हैं। वैसे मुख्य रूप से तीन दर्रा देखने को मिलता है सभी किताब में। ये जो है एक तरह से भारत की सबसे ऊंची दर्रा माने जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप लोगों को माना, नीति, लिपु लेक वैसे याद रखेंगे, ये उत्तराखंड की है तो, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी, ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसमें छः छः महीने की राजधानी होती है। छः महीना जम्मू में राजधानी रहता है और छः महीना श्रीनगर में रहता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो जोजिला है, बुरजिला है या बुरजिल है, ठीक है, पीर पंजाल, बारामूला, इसके बाद बनिहाल, ठीक है, ये आप सब याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर की है। देखिए, बारामूला और बारा लाचा दो अलग अलग है। बारामूला कहे तो जम्मू कश्मीर आप लोगों को देना है, बारा लाचा कहे तब हिमाचल प्रदेश आप लोगों को देना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की दर्रा कौन कौन सी? जोजिला, बुरजिला, पीर पंजाल, बारामूला, बनिहाल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम एक राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। उसमें कौन कौन से दर्रा है सिक्किम राज्य में? एक नाथुला दर्रा है, एक जयलेपला है, ये आप याद रखेंगे, दो दर्रा मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। जयलेपला कहाँ है? सिक्किम में, आप लोग याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसके जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में वो दिहांग, बोमडीला, इसके बाद दीफू, योंग, याप, ये दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के। तो ज़्यादा पूछा जाता है बोमडीला और दीफू, दिहांग, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे चारों दर्रा पूछे जाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करें, कॉमेंट करें, ट्रिक के माध्यम से बताइए, तो मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि विभिन्न राज्य की जो दर्रा है वो ट्रिक के माध्यम से बताया जाए, तो मैं ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊंगा वही शानदार ट्रिक, ठीक है। अभी तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हूँ और किस राज्य में कितना है वो, कौन सी दर्रा है वो मैं दे दिया हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहा तो मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊँगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मणिपुर में दर्रा कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसमें एक दर्रा है तुजू, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मणिपुर की दर्रा तुजू है, ये आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसमें थाल घाट और भोर घाट दो दर्रा है, ठीक है, थाल घाट और
भोर घाट। इसके बाद केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। और उसमें जो दर्रा है केरल में वो पाल घाट है, सेनकोट है। तो ये आप याद रखेंगे, ये विभिन्न राज्य में जो प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है दर्रा जो उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए है रोहतांग, जो जिला, नाथूला, और इसके बाद है डुंगरी ला या मैना दर्रा। देखिए डुंगरीला ला मतलब दर्रा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो डुंगरीला या मैना दर्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा डुंगरीला या मैना दर्रा। ये दर्रा जो है उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ती है, अर्थात कौन किन दो जगहों को जोड़ती है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, ये इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुजू दर्रा किस राज्य में है, अभी मैंने बताए हैं, एक ऑप्शन दिया है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो मैंने यहाँ पे बताए हैं तुजू दर्रा, देख सकते हैं यहाँ पे तुजू दर्रा एक दर्रा है जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ है, मणिपुर में। तो तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अब देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है कौन सी दर्रा, बोमडिला, जी हाँ बोमडिला है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रा यहाँ पे, दिहांग, बोमडिला, दीफू, योंगियाब। तो यहाँ पे देखिए दिहांग, दिहांग ने दिया है, बोमडिला, योंगियाब, दीफू, और इसके बाद है तुजू। देखिए तुजू जो है वो कहाँ की दर्रा है, मणिपुर की। तो यहाँ पे तुजू नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही लिखा गया, सही कर लेना है आप लोगों को, तो सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नाथूला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में है, लिपू लेक क्या उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, क्या पालघाट केरल में है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ नाथूला दर्रा। तो नाथूला दर्रा कहाँ है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले नाथूला खोजना है। देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अगर दर्रा बात करें, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा है, तो दिहांग दर्रा है, बोमडिला है, दीफू है, योंगियाब है। ये आपको समझ में आ गया, मतलब ये सुमेलित नहीं है। और पहला आप देख लेते हैं उत्तराखंड की दर्रा क्या लिपू लेक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड माना नीति लिपिलोक लिपू लेक है ना, तो ये सही है, ये तो सुमेलित है। अब देखते हैं रोहतांग दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला रोहतांग, जी हाँ हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पालघाट क्या केरल में है, तो जी हाँ पालघाट तो है ही केरल में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केरल में पालघाट और सेनकोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पालघाट सेनकोट है, मतलब इसका आंसर नाथूला जो है वो गड़बड़ है। नाथूला दर्रा कहाँ है, तो यहाँ पे आप लोग खोज लीजिए नाथूला कहाँ है, नाथूला, जयलेपला, ये सिक्किम की दर्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश लिखा गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी हिसाब से पूछे बहुत से क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी मैं कुछ ही क्वेश्चन लिया हूँ, 5 क्वेश्चन लिया हूँ, बाकी ये डिस्कशन मैं आप लोगों को बता दिए हैं। ये PDF फाइल चाहिए तो श्रवण मैथिल फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, वैसे टेलीग्राम ग्रुप में ये अवश्य मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।